हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी परवल आलू की सब्जी, जिसमें मैंने कोई खास मसाला, दही वगैरह कुछ भी नहीं यूज किया है। सिंपल घर के मसाला से ही बनाया है। तो इसके लिए मैंने ली है 5 परवल, 3 मीडियम साइज का आलू, 1 टमाटर, 1 प्याज। सभी चीज़ों को मैंने कट कर लिया है, साथ ही 10 से 12 लहसुन के कलियां, साथ ही थोड़ा सा अदरक को मैंने इस तरह से कूट लिया है। अब हम एक मसाला तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने ली है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके सभी मसाला को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई में लिया है थोड़ा सा ऑयल। फिर ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद ऐड करेंगे कटा हुआ परवल, साथ ही ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब ये हल्का सा फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब सेम कढ़ाई में जो बचा हुआ ऑयल था उसी में ऐड करेंगे कटा हुआ आलू, और इसे भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब सेम कढ़ाई में मैंने ली है 3 टीस्पून सरसों का तेल, साथ ही ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून चीनी। इससे क्या होता है ना, सब्जी का कलर बहुत ही प्यारा सा रेड कलर आता है। फिर कुछ खड़े मसाला ऐड करेंगे, जैसे कि 1 तेजपत्ता, 1 दालचीनी की टुकड़ा, 2 लौंग, 1/2 टीस्पून जीरा, 1 छोटी इलायची तोड़ के। फिर एक मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज डाल के अच्छे से भून लेंगे, और इसे तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब ये गोल्डन ब्राउन होने के बाद ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। फिर हम ऐड करेंगे मसाला जो हम पहले से बना के रखे थे। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर ऐड करेंगे टमाटर, फिर स्वाद के अनुसार नमक ऐड करने के बाद इसे अच्छे से भून लेंगे, और इसे तब तक भूनेंगे जब तक मसाला से ऑयल अलग ना हो जाए। अब मसाला से ऑयल अलग हो चुकी है, अब हम ऐड करेंगे फ्राई किया हुआ परवल आलू, फिर इसे मसाला के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम ऐड करेंगे पानी, यहाँ पर मैंने 2 कप ही पानी ऐड किया है। आपको सब्जी में जितना सूप चाहिए आप उसी हिसाब से ही पानी ऐड करना। अब इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि आलू परवल अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब हमें सब्जी में जितना सूप चाहिए उतना ही है, अब हम गैस ऑफ कर देंगे। इसे आप रोटी, चावल, चपाती किसी के भी साथ खा सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।